everyone. So like I said, today we've already started on that हास्य का नोट जहाँ पे सबके faces पे smile आ गई है. तो कोई भी हास्य वाली कहानी, कोई भी आपका experience, कोई भी कोई you know something that you've read, some poem, anything जो हास्य के रंग को सामने लेकर आता है. So that is what we are going to do today. हम आपको भेजते हैं हंसे कि आप उसका जवाब ही नहीं देते हो. इतने अच्छे अच्छे मैं प्रवीण की मुझे आपसे बात भी करनी है, बट मैं आपको नहीं, क्या बताऊं, मैं आपको दो दिन से इट्स जस्ट बीन अ वेरी वेरी व्हाट शुड आई से डिफिकल्ट टाइम फॉर द लास्ट टू डेज विद अ लॉट ऑफ इमरजेंसीज एंड लॉट ऑफ दिस थिंग एंड वी हैव बीन अप टिल लेट इन द नाइट हैंडलिंग ऑल दैट. सो इट्स बीन अ लिटिल क्योटिक. सो मैं इसलिए मैंने देखा था आपने भेजा बट मैं नहीं देख पाई, बट आज पक्का देखूंगी. कोई बात नहीं. So, स्नेहलता जी को कल उस दिन टाइटल मिला था कि वो हमेशा हंसती रहती हैं, हमेशा खुश रहती हैं, बहुत सारी मुस्कुराहट बिखेरती हैं. सो हम स्टार्ट करेंगे स्नेहलता जी आपसे कि आप सबके कुछ ऐसा सुनाए जो सबके फेसेस पे स्माइल लेकर आए. चलिए, थैंक यू वेरी मच इतना बड़ा टाइटल देने के लिए. थोड़ा सा आपकी तरह मैं भी लोगों की हेल्प नहीं कर पा रही. सच्चाई बताऊं, अभी 10 मिनट पहले एक फ्रेंड का फोन आया इमरजेंसी के लिए, पर कर नहीं पाई हेल्प. बहुत कोशिश करती रही थोड़ी देर से. इसलिए थोड़ा सा वो भी हो जाता है. लेकिन हाँ, क्योंकि हम लोग जो हेल्प करने वाले हैं, थोड़ा जब नहीं कर पाते तो बहुत फील होता है कि हम कितने लाचार हो चुके हैं इस समय. Very true. It does happen. मैं बहुत कोशिश करती रही उनकी हेल्प कर सकूं किसी तरह, लेकिन आजकल हालात ऐसे हो गए कि कोई किसी की हेल्प नहीं कर पा रहा. सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है. बस हम सबको स्ट्रेस फ्री करने में हेल्प कर सक पा रहे हैं, लेकिन वास्तव में रियलिटी ग्राउंड पे नहीं कर पा. बिल्कुल. So, nahin, I know we all want to help out each other, but things are there. Haan, and we can only try and help out. Hospital mein emergency hai, ICU ward mein chahiye. Lekin main bahut jagah phone kar baithi hu, koi help kar nahi pa rahi kyunki unke husband ke problem hai. To I hope so kuch ho jaye arrangement. Bahut sare groups mein number bheja hai unka maine. Bilkul nahi, we can only pray and hope for the best. Haan, and, सच्चाई है कि मतलब कैसा टफ टाइम आ गया. नहीं तो सारे मेरे ऊपर बड़ी उम्मीद लगा के बैठे होते थे कि स्नेहलता तो कर ही देगी कुछ ना कुछ. तो पता नहीं क्या वो हो गया ऐसा कि हम हेल्प नहीं कर पा रहे, मतलब दिल से चाह के. ये सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है. True. तो मैं अभी थोड़ी देर में एक मिनट में पोइम निकालती हूँ जो मैंने हस्बैंड के ऊपर लिखी थी. Okay, that is very interesting. Husband के ऊपर सब wives बहुत मतलब खुशी से मजाक बनाती हैं उनका. Yes, तो मैं भी सुनाऊंगी. मतलब share मार, वैसे तो share market के ऊपर है. अरे husband, जब तक स्नेहलता जी अपनी poem लगाते हैं. हाँ जी. Husband is known as a हंसने वाला band. बिल्कुल. मैंने share market के ऊपर लिखी थी. वो जब share market का देखते हैं तो क्या एक्सप्रेशन होते हैं उनके. तो वो हास्य कविता के रूप में लिखा था कि जब वो शेयर मार्केट में डील करते हैं. मैं अभी ढूंढ रही हूँ जरा वो पोइम एक मिनट में. आप जब तक किसी और को दे दीजिए चांस. ठीक है, नीलिमा जी कुछ सुनाना चाहती जब तक. वील कम टू नीलिमा जी. हाँ जी सुना. हाँ जी बिल्कुल. हाँ जी, मैं जब मेरी जो ये हास्य रस की कविता है, ये है कि जब मैं पेंशन लेने गई तो मेरा पुराना प्रेमी भी वहां पेंशन लेने आया हुआ था. ये उसके ऊपर है. नहीं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी एक बार अपने माइक्स प्लीज चेक कर ले. किसी का माइक खुला हुआ है, प्लीज डू चेक. हो गया. हाँ जी. दिल में कैसे कैसे खंजर लगते हैं, कल के आशिक आज के बंदर लगते हैं. पेंशन लेने बुढ़े सेंटर जाते हैं, अपना मंथली खर्च वहां से लाते हैं. हम भी गए थे लेने, कल कुछ शर्म आया.
वहीं पर वो जालिम हमसे आ टकराया। गंजा था और हाथ में उसके सोटी थी, मैं भी पहले से कुछ मोटी थी। एक दूजे को देखा हम कुछ डर से गए, दिल में सोचा ये था जिसपे मरते थे। चेहरे पे हम दोनों के ही झुरियां थी, देख के चलती दिल पे सौ सौ छुरियां थी। इसी सुबह मैंने सर में तेल लगाया था, मेहंदी से बालों में रंग जमाया था। लगती मैं किसी एक्ट्रेस की मम्मी थी, बाद लंच कुछ बड़ी मेरी टम्मी थी। बच्चों के बच्चों का ही हाल पूछ लिया, एक से एक बोर सवाल ही पूछ लिया। आर्थराइटिस की कोई नई दवा आई, प्यार भरे दिलों से एक सदा आई। पूछा कितनी शुगर है तेरी जाना, मैंने कहा तुमने भला ये कैसे पहचाना। कहने लगा जालिम है स्वीटी वक्त बड़ा, मैंने कहा चल फ्लर्ट ना कर हो दूर खड़ा। दिल पे हमला तुम ना कहीं करवा लेना, ब्लड का प्रेशर तुम ना कहीं बढ़वा लेना। फिर वॉकर सुनिएगा आखिरी लाइन सुनिएगा, वॉकर से फिर उसने मेरा पांव छुआ, वो तो सुन था फिर लिहाजा मुझे कुछ ना हुआ। ये आपने लिखी है, ये बहुत अच्छी है, बहुत देर से हमने सुनी हुई है ये तो। हाँ बहुत पुरानी व्हाट्सएप, बहुत अच्छी कविता लिखी, अपने मन की भावनाओं को अच्छी तरह से व्यक्त कर दिया। हाँ जी मेरा कैमरा ही नहीं खुल रहा है, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा अपने मन की भावनाओं को व्यक्त किया। स्वर्णा जी उनका कैमरा नहीं खुल रहा, वो अच्छा है क्या? किसका कैमरा नहीं खुल रहा? वो महिमा का, महिमा जी का, महिमा जी का नहीं खुल रहा। उसको लॉगिन दोबारा कर लीजिए, लॉग आउट करके। अभी मैं सत्संग सुन रही, उसमें भी कैमरा नहीं खुला था। आप फिर से लॉगिन करिए, खुल जाएगा। ऑफ करके लॉग आउट करके लॉगिन करिए तो हो जाएगा। सो बट वंडरफुल नीलिमा जी, देखिए बेटी बुलाते बहुत बार। सुनो तो सो नीलिमा जी, आई नो वी हर्ड इट मेनी अ टाइम, बट जिस लिहाज पे आपने बोला उतना ही जैसे फर्स्ट टाइम इसको पढ़ा था ना। हाँ तब सुनो, पहले मुझे याद ही नहीं आई थी, बहुत पहले आई थी, जितनी बार इसको पढ़ ले उतनी ही मतलब यू नो मतलब मजा आता है इसको सुनकर। एंड जिस लिहाज में आपने पढ़ा इट वॉज जस्ट अमेजिंग, मतलब एक एक लाइन को हम विजुअलाइज कर रहे थे जैसे जैसे आप बोलते जा रहे थे। थैंक यू, थैंक यू, सो वंडरफुल, थैंक यू। हाँ जी स्नेहलता जी। हाँ जी, बजट मात्र आंकड़ों का खेल है, बाजार मात्र आंकड़ों का खेल है, कभी चूहा बिल्ली तो बिल्ली शेर है। बाजार मात्र आंकड़ों का खेल है, कभी चूहा बिल्ली तो कभी बिल्ली शेर है। शेर को चूहा बनते देर नहीं लगती और चूहे को शेर बनते देर नहीं लगती। सच तो यह है ये ना तो भाग्य का खेल है ना ही मेहनत का खेल है, ये मात्र बाजार में बेवकूफ बनाने का खेल है। कभी चूहा बिल्ली तो बिल्ली शेर है। अचानक टीवी पर देखते ही शेयर के रेट हार्ट उछल उठता है हंसकर कि मेरे शेयर के दाम 10 गुना हो गए, और दूसरे दिन ही पता लगता है मार्केट नीचे धड़ाम गिरी तो हार्ट फेल होने की नौबत आ जाती है और शेर बने व्यक्ति की हालत बिल्ली जैसी हो जाती है, और बिल्ली से भी नीचे गिरता है तो चूहे जैसी हो जाती है। फिर सोचता है क्यों पड़ा इस चक्कर में, क्यों पड़ा भाग्य के खेल में। फिर भाग्य का दोष मान, केवल भाग्य का दोष मान, अपने आप को दोष देता है। सच्चाई तो ये है बजट मात्र आंकड़ों का खेल है, बाजार मात्र आंकड़ों का खेल है, कभी चूहा बिल्ली तो बिल्ली शेर है। बचे इस खेल से, बचे इस खेल से, भले ही आपने पैसे कमाए हो, क्योंकि बिन मेहनत कमाए पैसा भी आपको सुख नहीं दे पाएगा, बिन मेहनत कमाए पैसा भी आपको सुख नहीं दे पाएगा। कभी स्वास्थ्य की कीमत पर
स्वास्थ्य की कीमत पर अगर आपने पैसा कमाया तो वो पैसा ही व्यर्थ चला जाएगा। बाजार मात्र, बजट मात्र, आंकड़ों का खेल है, कभी चूहा बिल्ली तो बिल्ली शेर है। थैंक यू वेरी मच। वंडरफुल लता जी, शायद हंसी आई होगी लेकिन मैसेज है इस कविता में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक बिल्कुल, सो वंडरफुली पुट। सुरेश जी, मैं हिंदी साहित्य के 10 रसों में से हास्य रस सम्राट काका हाथ रसी की एक कुंडली पढ़ रही हूँ कि हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री ने भी दाढ़ी रख ली थी। दाढ़ी में शायद कुछ विशेषताएं ही होंगी जो उन्होंने कोई मन्नत मानी है। तो काका हाथ रसी की कुंडली आप सुनिए, उन्होंने भी इसी प्रकार लिखा है। काका दाढ़ी राखिए बिन दाढ़ी बिन सुन, काका दाढ़ी राखिए बिन दाढ़ी बिन सुन, जो मंसूरी के बिना व्यर्थ डेरा दून। सुरेश जी, आर यू देयर? आई थिंक उनका नेटवर्क चला गया। सुरेश जी, कैन यू हियर मी? एनीवे टिल शी कम्स बैक देन वील हियर इट अगेन। आई थिंक नेटवर्क का इशू है। एनीबडी एल्स हु वुड लाइक टू वॉलंटियर? हाँ जी मिस्टर केपी। अच्छा मैं सुनाऊं एक कविता? मैं सुना रहा हूं। अच्छा ओके, सुनाइए। यह एक ऐसी कविता है जिसमें की व्यवस्था भी है, हंसी भी है। हम कान के ऊपर, हम कान हैं, हम दो हैं, दोनों जुड़वा भाई, लेकिन हमारी किस्मत है ऐसी कि आज तक हमने एक दूसरे को देखा तक नहीं। पता नहीं कौन से श्राप के कारण हमें विपरीत दिशा में चिपका कर भेजा गया है। दुख इतना ही नहीं है, हमें जिम्मेदारी सिर्फ सुनने को मिली है। गालियां हो या तालियां, अच्छा हो या बुरा, सब हम ही सुनते हैं। धीरे धीरे हमें खूंटी समझा जाने लगा है। चश्मे का बोझ डाला गया, फ्रेम की डंडी को हम पर फंसाया गया। ये दर्द सहा हमने क्यों भाई, चश्मे का मामला आंखों का है तो हमें बीच में घसीटने का क्या मतलब। हम बोलते नहीं तो क्या हुआ, सुनते तो है ना। बचपन में पढ़ाई में किसी का दिमाग काम न करे तो मास्टर जी हमें ही मरोड़ते थे। जवान हुए तो आदमी औरतें सब ने सुंदर सुंदर लौंग बालियां झुमके आदि बनवा कर हम पर ही लटकाए। छेदन हमारा हुआ और तारीफ चेहरे का, और तो और श्रृंगार देखो, आंखों के लिए काजल, मुख के लिए क्रीमें, होठों के लिए लिपस्टिक, हमने आज तक कुछ मांगा हो तो बताओ। कभी किसी कवि ने, शायर ने हमारी कोई तारीफ नहीं की। बातें बहुत सी है किससे कहूं, पंडित जी का जनेव, टेलर की पेंसिल, मोबाइल का ईयरफोन, सब हम ही है संभालते हैं। और तो और आजकल ये नया नया मास्क का झंझट भी हमें ही झेलना पड़ता है। कान नहीं जैसे पक्की खूंटियां हैं, हम और भी कुछ टांगना लटकाना हो तो ले आओ भाई, तैयार हैं हम दोनों भाई। अरे थोड़ा थोड़ा हंसते भी रहिए, हमेशा स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। वंडरफुल, बहुत बढ़िया मिस्टर केपी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत अच्छी। हां जी मैं सोच रही हूं कि मेरी
तो रेश जी आपका नेटवर्क चला गया था आ? अभी फिर से चला गया है। नहीं सुरेश जी को बोल रही हूँ। हाय दीक्षु हम आ गए। गुड गुड यार मैंने देख लिया एक गिरजा जी सुनाना चाह रहे थे। गिरजा जी आर यू देयर? गिरजा शंकर जी ने शायद बोला था। हाँ नहीं नहीं वो अनम्यूट कर रहा था। हो गया आ रही आवाज? हाँ जी आ रही है। अच्छा जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मैंने उसमें मैंने कविता लिखी थी और हमारे कॉलेज के फंक्शन में मैंने कविता सुनाई थी। आज याद आ गई। वैसे कविता बहुत सारी लिखी है मैंने करीब 100-150। एक कविता में हास्य कविता है उसमें कुछ भी नहीं है थोड़ा सा हास्य वो सुनाता हूँ। कानून के एक विद्यार्थी ने प्रश्न किया अपने पिताजी से, पिताजी कानून के मातहत एक व्यक्ति एक से अधिक क्यों नहीं कर सकता शादी? क्या इसका कारण है बढ़ती हुई आबादी? कानून के विद्यार्थी ने प्रश्न किया अपने पिताजी से, पिताजी कानून के मातहत एक व्यक्ति एक से अधिक क्यों नहीं कर सकता शादी? क्या इसका कारण है बढ़ती हुई आबादी? पिताजी मुंह लटकाए हुए बोले, बेटा तू अभी कुंवारा है इसलिए ये जानने के लिए शोर मचाता है। जिसकी जो अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते उन्हें कानून बचाता है। एक से प्रश्न है। वेरी नाइस वंडरफुल गिरजा जी। थैंक यू। वेरी नाइस बहुत अच्छा सुनाया। बहुत अच्छा सुनाया। बहुत अच्छा बहुत अच्छा जी। वेल बच्चों को मन के लिए बहुत अच्छा है। या रश्मि जी आप सुनाना चाह रही थी। मैंने कविता पहले लिखी थी लेकिन आज के हाल को देखते उसमें दो लाइनें और ऐड करी हैं। उस पर जरा गौर करिएगा। ये मेरी अपनी लिखी हुई कविता है और इट इज ऑन द फिलॉसफी ऑफ माय लाइफ दैट हैप्पीनेस इज विद इन अस ओनली, वी डोंट हैव टू सर्च इट एनीवेयर। तो बाग और बगीचों में ढूंढना फिजूल था, कदमों के पास मेरे पड़ी मेरी जिंदगी। पहले भी सुनाई है। कोई बात नहीं। सॉरी। उसमें मैंने दो लाइन ऐड करी इस समय। बाग और बगीचों में ढूंढना फिजूल था, कदमों के पास मेरे पड़ी मेरी जिंदगी। चौराहों पर भी इश्तिहार बांटे हम ये हैं हम जो। चौराहों पर भी इश्तिहार बांटे पर सदा किसी मोड़ मुझे खड़ी मिली। बाग और बगीचों में ढूंढना फिजूल था, कदमों के पास मेरे पड़ी मिली जिंदगी। और जो मैंने परसों जोड़ा है इसमें वो ये कि बहुत आजाद बिताते थे जिंदगी, बहुत आजाद बिताते थे जिंदगी, फिर भी अब हमको हथकड़ी मिली जिंदगी। बाग और बगीचों में ढूंढना फिजूल था, कदमों के पास मेरे पड़ी मिली जिंदगी। थैंक यू। वंडरफुल रश्मि जी। रश्मि बिल्कुल कुछ भी जो हास्य से रिलेटेड हो आप कुछ भी सुना सकते हैं। अपना एक्सपीरियंस हो, कोई एक्सपीरियंस एपिसोड हो, इसमें ताली बजती ना। अरे मम्मी एक बार हम लोग मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, वहां पर एक सागर करके जगह है, वहां पर बुंदेलखंडी शायद आपने सुनी होगी बोली जाती है। तो बहुत पहले की बात है, करीब 78 की बात है। तो हम लोग बस से आ रहे थे तो उसमें एक लड़के ने अपनी माँ को मतलब बिठाया, वो पोटली वोटली लेकर बैठी और बोला मतलब बैठ गई वो। अब बार बार वो जो बस में ड्राइवर से बार बार बोल रही थी वो अम्मा, बूढ़ी अम्मा, कि ना भैया दो बीना कब आएगा? तो बोला अम्मा बैठी रहो, आएगा तो हम बता देंगे। फिर थोड़ी देर में 5-10 मिनट के बाद फिर पूछती कि भैया बीना कब आएगा? फिर वो बोलता कि मैं बता दूंगा भैया, अम्मा चुपचाप रहो। हर 10 मिनट बाद वो पूछती कि बीना कब आएगा। बोले फिर उसने बहुत जोर से उसको डांट दिया, बोला कि बोला ना कि चुप बैठ जाओ, आएगा तो हम बता देंगे, चुप बैठ जाओ। फिर एकदम चुप होकर बैठ गई, अब नहीं बोलूंगी मैं। अब ये वो बीना निकल गया, 50 किलोमीटर और आगे चले गए। अब सब लोग चलाए, उसने कहा भैया, अब उससे रहा नहीं गया कि पता नहीं मतलब बीना तो आए नहीं। तो बोले भैया अगर तुम कहो तो हम पूछ लें कि बीना कब आ है। थोड़ा बुंदेलखंडी में ज्यादा अच्छी लगती है वो, पर खैर मैं तो बोल नहीं पाती हूँ वहाँ की भाषा।
तो उसने कहा अरे राम, वो तो निकल गया 50 किलोमीटर पहले ही निकल गया, बोली क्यों नहीं? बोले तुमने ही तो कही थी हमसे कि बोलियो नहीं, सो हमने बोले। तो बोले कि सब लोग पैसेंजर चिल्लाने लगे कि जब से बिचारी वो बूढ़ी बोल रही है कि बीना कब आएगा, बीना कब आएगा, वो सिटी का नाम, तो तुम लेकर नहीं, तुमने रोकी नहीं, तो और अब क्या करें? तो बोले वापस लेकर चलो, उसको उतरना होगा, बेचारी अकेली जा रही है। अब वापस जब 50 किलोमीटर वापस बस लोड कर गई तो उसने बोला अम्मा उतरो। बोले हमने उतरने थोड़ी है। तो बोले का हमारे मोड़ा ने कही थी, मतलब लड़का ने कही थी कि गो लिखा लाइयो जब ही ना आए सो। मतलब उसने अंदाज लगाया था कि 2 घंटे के बाद में वो शहर पहुंचेगा, 2 घंटे बाद से गोली खाना है, टेबलेट लेना है। अरे अम्मा तुम पहले ही बता देती हम तुमको पहले रजनी जी को बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बोले हमारे मोड़ा ने कही थी कि बिना आए सो तुम जब गोली खा लाइयो, क्योंकि वो 2 घंटे बाद आने वाला था। बेटा ने बहुत सुंदर हिदायत दिया था, उस हिदायत का पालन किया माँ ने। टू गुड टू गुड थैंक यू बहुत सुंदर। चलो एनीबॉडी एल्स? हाँ जी प्रवीण जी। आई थिंक समबडी एल्स इज हैविंग द हैंड अप, कैन यू जस्ट? मैं उसके बाद लेती हूँ मैं, अभी मुझे नहीं, नहीं मेरे को नहीं आया। अच्छा आपने, मुझे लगा आपने हाथ उठाया तो मैंने इसलिए। ओके ओके सुनाओ ना प्रवीण कुछ। अरे आप सुनाया नहीं। अरे हम का हमें कुछ नहीं आता यार। अरे क्या बात कर रहे हो, कुछ तो आपको मतलब वन लाइनर्स जो आपके होते हैं ना, मार देते हैं जस्ट सडन, ऐसे आते हैं सडन लाइक अ गूगली स्पॉन्टेनियस। मारा था ना अभी बीच में प्रवीण जी, आपके पास तो आपके पास भी तो जोक्स का पिटारा होता था। ये जो सारे ये हम ना, ये मेरे पिटारे से निकले वो सुना रहे हैं, ये जो मैडम ने अभी सुनाया। एनीवे नहीं, बहुत अच्छे लग रहा है, सबका सुनना भी अच्छा लगता है कभी कभी। एक जोक सुनाओ। मैं छोटा सा जोक सुनाती हूँ। नहीं वड्डा लिया, वड्डा लिया नहीं, छोटे छोटे हैं, व्हाट्सएप के हैं। अरे वड्डा भी ना, हरियाणा में रह रहे ना हम, तो हरियाणा का ही सुना। हरियाणा के एक स्कूल के कोई टीचर थे, जो वो अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, अपनी गाड़ी में जा रहे थे तो देखा कि एक ये बीच में पेन बंद कर दो स्वतंत्र हो गया। उन्होंने देखा कि उनका एक रिक्शा वाला साथ से गुजर, उनका स्टूडेंट से पढ़ा हुआ था शायद, उन्होंने बड़ी नोट उसको टॉन्ट मारने के लिए कहा, अरे क्या रिक्शा चला वैसे है? तो वो वो भी बड़ा तेज था, कहता और तेरे पढ़ाए हुए क्या जहाज चलावेंगे। चलिए सुरेश जी इज बैक, मिशनरी इज रेजिंग हिज हैंड। ओके ओके एंड अनीता जी, हाँ आई विल जस्ट बता देना मुझे कि आवाज आ रही है। जी आ रही आ रही, आपका ना नेटवर्क चला गया था। हास्य सम्राट काकर हाथ रसी की कविता है, हिंदी साहित्य में हास्य रस में इनका ही योगदान होता है। काका हाथ रसी की कुंडलियां 12 लाइन की, बार बार उनका नाम आता है और वो लिखते हैं। अब दाढ़ी के लिए आ रहा है, मुझे इसलिए याद आई है ये कविता कि नरेंद्र मोदी ने भी दाढ़ी रखी हुई है, उन्होंने यही कहा कि जब कोरोना खत्म करवाऊंगा तभी दाढ़ी काटूंगा। काका दाढ़ी राखिए, काका हाथरसी लिखते हैं, काका दाढ़ी राखिए बिन दाढ़ी बिन सून, जो मसूरी के बिना व्यर्थ है देहरादून। दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है? हाँ जी हाँ जी। व्यर्थ है देहरादून इसी से मुख की शोभा, दाढ़ी से ही प्रगति कर रहे संत विनोबा। मुनि वशिष्ठ यदि मुख पर दाढ़ी नहीं रखते तो क्या वे भगवान राम के गुरु बन पाते। शेक्सपियर, बर्नार्ड शॉ, टॉलस्टॉय, टैगोर, लेनिन, लिंकन बन गए जनता के सिरमोर, जमा उनका जामा ही बना सिरमोर, यही निष्कर्ष निकाला जनता के सिरमोर। दाढ़ी थी इसलिए महाकवि बने निराला, कह काका नारी सुंदर लगती साड़ी से,
उसी भांति नर की शोभा बढ़ती है दाढ़ी से, उसी तरह नर की शोभा बढ़ती है नारी की दाढ़ी से। इसलिए दाढ़ी रखिए, दाढ़ी ही विजय देती है। धन्यवाद। बहुत अच्छा जी, बहुत बढ़िया सुनाया दाढ़ी पर। एक छोटा सा मैं जोक सुनाना चाहता हूँ बड़ा। हाँ जी हरीश जी, महिमा जी मैं आपको म्यूट कर रही हूँ, आप अनम्यूट कर रहे हैं। हाँ जी हरीश जी प्लीज, आप म्यूट पे हो। हाँ जी, मैं थोड़ा सा एक वाक्य सुनाना चाहता हूँ, बड़ा मजेदार है, सुनना बोलू मैं? हाँ जी, हाँ जी प्लीज। कोरोना की अब तो हद हो गई, आज हमारे दूध वाले ने पूछा कल से आपके लिए इम्यूनिटी बूस्टर वाला दूध लाऊं, मगर 10 रुपए प्रति लीटर ज्यादा देने होंगे। मैंने आश्चर्य से सवाल किया, ये कैसा दूध है? ऐसी गाय का दूध जिसे हम रोज नींबू और संतरा खिलाते हैं ताकि दूध में विटामिन सी मिले। रोज सुबह 1 घंटा दूध में धूप में खड़ा करके रखते हैं ताकि उससे दूध में विटामिन डी भी हो। साथ ही चारे में के साथ पालक तुलसी गिलोय भी मिलाया जाता है। तो मैंने उसको जवाब दिया, भाई तू ही रह गया, तू भी लूट ले। गुड वन हरीश जी, वेरी नाइस। अच्छा व्यंग है, अच्छा बढ़िया। हाँ जी भीष्म जी, गुड वन हरीश जी, गुड वन, वेरी नाइस। भीष्म जी यू आर ऑन म्यूट। I am sorry, Hindi is above my head. आप इंग्लिश में बोलिए, doesn't matter. There are two instances that happened in my life, which is quite amusing, unusual. I was on my second day in my university in England for studies, and a person sat next to me. He was dark skin, like me. All the rest were white. So naturally, I asked him, "Where are you from?" He said, "Calcutta." I said, "Oh, really? Which part of Calcutta?" He said, "You won't know, it's a place called Agarpara." I said, "Oh, you mean Panihati?" He said, "How do you know?" I said, "Well, there's a place called Riverside, and your dad had a huge bungalow. He's the managing director of National Tobacco." He said, "You're right. How do you know?" I said, "Just ask him who used to steal his mangoes. We used to hammer the hide out of me when he caught me up." But how I knew this was this gentleman's son, husband and wife had divorced, and the wife had gone to England with the children. And I just took a chance because surname was Morris and his father's name was Morris. To move further, he said, "Where do you study in India?" I said, "I studied in Darjeeling, the school," I told him. He said, "I must introduce you to a fellow called Dave Morris. He's from that area too. But we were in different classes. He was in a different class in a different day. So one day coming back from London, the Cambridge Buffet Express, is standing at the bar, and in walks this fellow. And I said, "Hello, Dave, how are you?" And behind him walked in this fellow called Dave Norman. He says, "Meet Dave Norman." I said, "No, I don't need to meet him. We played cricket against each other in the first 11. And I thought, that is something unusual. And I thought I'd probably relate it. It's an unusual experience, coincidences, the same day. Thank you. Thank you, Bhisham ji. Very nice. And very good nice. To very see nice. Bhisham ji. Very nice. Bhisham ji coming. Good, Bhisham ji. Good. He's always an audience. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Speaking is a joke itself, right? Would you insist my husband? He has so. Sure. 100%. It's not picking up. Hanji, Mr. Bhattacharya. When I remember, I will come to you. I will come back to you. आपको पता है ना, जब एक बार पता था, I do come back. And we are not going to wind up without you coming up with something. You have to. ठीक है ना? So मैं अभी एक और स्पीकर के पास जाके I'll come back to you then. प्रवीण जी फाइनली फाइनली यस
इतनी देर से मैं चुप बैठी हूँ, सब बोले जा रहे हैं, अब तो मुझे बोलना पड़ेगा। एक जोक तो बनता है। बिल्कुल, आपका कैसे नहीं बनता, मतलब आई थॉट यू शुड बी द वन स्टार्टिंग इट विल के। नहीं, मैंने कहा थोड़ा सा गर्म हो जाए माहौल थोड़ा सा। एक बार ये आजकल का माहौल में ही है, तो क्वारंटीन करते 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 एक आदमी इतना बोर हो गया तो उसको नीचे सब्जी वाले की आवाज आई, नीचे उतरा, उसको कहता है यार तू ऐसे कर, मैं तेरा ठेला लेके आज जाता हूँ, तू मेरे घर में बैठ के टीवी देख, राम का सारा पैसा तुझे दे दूंगा। तो वो कहता सर मैं क्या करूं, मैं तो नहीं जा सकता हूँ, मैं खुद ही इंजीनियर हूँ, मेरा ठेले वाला तो मेरे घर बैठा हुआ देख रहा है टीवी और मैं उसका ठेला लेके जा रहा हूँ। तो जैसे आजकल ये हो रहा है सब। आजकल किसी को वो मिसप्लेस मतलब वो ना करना कि वो कोई भी होगा तो हो सकता है इंजीनियर हो, कोई डॉक्टर हो, डॉक्टर तो नहीं, कोई और बिजनेसमैन भी हो, पता लगा सीईओ वा कंपनी जो ठेला लेके सब्जी बेच रहा है कुछ जस्ट टू बात कर। बिल्कुल, सो दैट्स इट, दैट्स माय नाइस नाइस। मैं बोलूं एक दो बोलो एक मैं बोलूं तीन दो बोलो हां जी गीता जी हां जी हां जी प्लीज बोलिए। मुझे ना ऐसे जोक बोलना अच्छा आता नहीं है, मैं खुद बोलती हूँ और खुद ही हंस लेती हूँ। हम मेरे जैसे आप लोग ये भी जोक ही है। आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, ये सबसे बड़ा जोक है, ये सबसे बड़ा जोक है। यहाँ बॉम्बे वालों के लिए एक बात की जाती है ना, कही जाती है जनरली कि सब लोग बड़े हेल्पफुल हैं, होते हैं यहाँ पर, ऐसा बोला जाता है। तो एक बार की बात है कि एक लोकल ट्रेन की बात है, यहाँ क्या फास्ट ट्रेन और स्लो ट्रेन होती है ना, तो फास्ट ट्रेन कुछ कुछ स्टेशन में रुकती है और स्लो ट्रेन जो है वो सारे स्टेशन में रुकती है। तो एक जगह एक कोई बाहर से कोई आया, उसको उतरना था माटुंगा, माटुंगा में स्लो ट्रेन फास्ट ट्रेन नहीं रुकती है। तो अब वो बैठ तो गया, उसको जब पता लगा उसने कहा मुझे तो माटुंगा उतरना है। यहाँ क्या है ना कि अगर जैसे वो माटुंगा उतरना उसने बोल दिया ना, तो और लोग बाकी जो लोग होते हैं सब लोग उसके लिए इतने चिंतित हो गए ना, यहाँ की आधे सब मतलब अभी इसको हम कैसे उतारें, कैसे इसको वो कर रहे हैं, मतलब कैसे इसका होगा, इसको तो कुछ पता ही नहीं है, सब आपस में बोलने लगे। फिर एक ने बड़ी होशियारी से कहा देखो ऐसा करो, जब ट्रेन ना आगे स्टेशन से आगे को जाएगी तो माटुंगा में ना वो थोड़ी सी ऐसे स्लो हो जाती है, तो जब स्लो हो जाती है ना तो तुम ऐसा करना बिल्कुल गेट पर खड़े रहना, जैसे वो स्लो होगी तो मुझसे तुम नीचे उतर जाना है ना, और जब आगे को मतलब और उसके ट्रेन के साथ में तुम आगे दौड़ना, तो तुम्हें मतलब मतलब ऐसे दौड़ना जरूरी है क्योंकि नहीं तो तुम गिर जाओगे ट्रेन से, तो तुम जब वो ट्रेन स्लो होगी तुम उतरना और ट्रेन के साथ में आगे मतलब दौड़ना। तो हुआ क्या, उस बेचारे ने वो गेट पे खड़ा हो गया, जैसे ही माटुंगा आया उसको लगा कि हाँ ट्रेन स्लो हो रही है, तो उसने उसमें से नीचे कूद गया वो प्लेटफॉर्म पे, और प्लेटफॉर्म में ट्रेन के साथ में वो भागने लगा आगे। जो आगे के कंपार्टमेंट में लोग थे उन्होंने क्या सोचा कि ये माटुंगा से चढ़ने की कोशिश कर रहा है, और उन्होंने ऐसे बिल्कुल चेन बना के, हाथों की चेन बना के ना, अब वो कितना ही कह रहा नहीं नहीं नहीं, लेकिन उन्होंने उसको हाथों की चेन बनाई और उसको अंदर घसीट लिया, मतलब तो ऐसे हेल्पफुल होते हैं बॉम्बे में, मतलब वो यहाँ तक ना बॉम्बे में ऐसा तक कह देते हैं ना, जैसे मान लीजिए मैं कहूंगी कि मुझे दादर जाना है और वेस्ट में उतरना है, वहां पर जाना है सर, तो दे मेक इट श्योर कि सब जो उतरने वाले होंगे ना दादर में उनसे कहेंगे अरे देखो इसको उतारना वहां पर, और फिर ना इसको आगे गेट से ना इसको बाहर नहीं, इसको ना टैक्सी दिलवा देना, मतलब तो ये एक उनका एक जोकी बन गया कि इतने हेल्पफुल होते हैं, इस बेचारे को वापस से ट्रेन में चढ़ा दिया। Nice, yeah.
Anybody else? Yes, no? Miss. ये सुरेंद्र शर्मा जी का आप सभी सुने होंगे उनके बहुत सारे. एक बार एक दिन घराड़ी बोली, ए जी पड़ोसी की चौथी घराड़ी मर गई ते शमशान घाट हुआ. मैं बोलो मैं को नहीं जाऊ. ओके घरा तीन बार हो आयो, वो एक ही बार ना आयो. समझ नहीं आया? बिल्कुल समझ आ गया, बिल्कुल आ गया. अरे वो उसकी बीवी तीन बार मर गई, वो तो मेरे मैं हो आया हूँ, मेरे घर एक बार भी नहीं है. तीन बीवियां मर गई हैं हमारे यहाँ, एक भी नहीं मरी. सब लेडीज को फटाफट फटाफट कोई मेल मेंबर नहीं बोल साइलेंट फटाफट. इनके तो बहुत जोक्स हैं. वो कहता घराड़ी बोले हो, मैं घराड़ी में बोले हो कि मेरा पॉलिश कहाँ रखियो सह. तो बोले हो क्या चाहिए थे मैं पॉलिश, जूता उठाओ अपने मुंह पे डाल लो ये पॉलिश हो जावे. कि वो इतना का अपने मुंह पे डाल लो. हेलो गुड वन शर्मा इंसिडेंट. यस स्कूल में फीस डिपॉजिट होनी थी. So my father was a gora like Bhishamji. He could not understand Hindi. His hands were tight. Sorry, Bhishamji was saying that. So he went to him and office mein gaye. To jo accountant tha, he was a typical UPIite. And jo staff baki ka bhi office mein tha. So my dad asked him ke, because I told him ke iske paas jana usko de dena wo ho jayega. तो ही वेंट टू हिम. तो साथ वाले ने बोला कि वो तो अवकाश पर है. एंड अवकाश पर है मींस ही इज ऑन छुट्टी पे है. सो डैड केम होम एंड ही इज टेलिंग मी वो तो चला गया. वो कह रहा था उसका साथ वाला कि वो आकाश पर है. तो आई सेड डैडी उसने अवकाश पर नहीं बोला होगा, उसने बोला होगा कि अब छुट्टी पर है. So then, but I got very, you know, this thing because he was a young guy. So I called up my friend. I said, ऐसे ऐसे हुआ है and are you, you're in school, do you know about that? Kehti, no, no, he's there. So then I understood this thing, ke that guy said ke wo avkash par hai, means he's on chutti, and my dad thought ke wo akash par hai. And one more, jaise Parveen ji ne bola ke husband means hasi ka band, vaise what is the full form of wife? Buddy is invited forever. 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 और हिंदी में पत्नी का जो हमेशा पति पे तनी रहे. ओह माय गॉड पत्नी. सो चलिए वंडरफुल. बट द बेस्ट पार्ट इज दैट बोथ भीष्म जी एंड रेणु जी टुडे शेयर्ड एन इंसिडेंट व्हिच नॉर्मली यू नो आप लोग हमेशा बैकग्राउंड में यू जस्ट यू नो listening to things. No, no, ऐसे बैठते हैं. वो तो यूं बैठते हैं. बिशप, हाँ, जैसे कोई रूठा हुआ बच्चा बैठा होता है. I hope he's listening to what you're saying. I know he's listening. I'm just trying to. I know he's listening. Bishop. I'm not going to describe how Parveen sits. I'll be thrown out of here. Now this is the the biggest joke. I know. And Renuji sits like this. What if we copy you? Are you copy me now? I want somebody to copy me, yaar. I would love it. Do it. We want to copy your dance. My dance, yes. Bhishan, my Bhishan dance. Bhishan, you know that is Bhishan. Bhishan dance. You're the only one. Nobody can imitate you on that one. It's so sweet, thank you. But actually, it's very, very difficult to imitate Praveen ji. The spontaneity, this thing, it very, very difficult to, you know. Yeah, I'm unique.
Thank you. Absolutely. Absolutely. That's a big compliment to you. Yeah, I know. I said thank you to you all. There will be somebody who must be doing it, but shy to say it. Oh, God. Mr. Bhattacharya? Yes. सर आपके वर्ल्ड बैंक की कोई किस्से सुनाइए। आप भी सुना सकते हो चिट्ठी डालने के बाद। पांच हो। मिस्टर भट्टाचार्य। छह बजे अभी आधा घंटा। मैं अपने भाई के बारे में बताता हूँ। वो काफी हंसमुख था और वक्त का मजा लिया करता था। वो मुझे याद है जब स्कूल में वो हम लोग पढ़ते थे, वो मेरे से तीन साल ऊपर था। वो क्लास एट में था, फिफ्थ में था। तो वो क्या करता था कि जो बिल्डिंग है, स्कूल की बिल्डिंग है, उसके चारों तरफ फूल लगे हैं, फूल लगते थे, फूल लगाए रखते थे। और वो देखता था कि लड़कियां वहां से आके आते हुए एक ना एक फूल तोड़ के ले जाती थी। तो उसने अपना हैबिट बना रखा था, एक फूल तोड़ के वो बैठा रहता था। जैसे ही लड़की जाती थी वो भी उठ के खड़ा हो जाता था। तो उस लड़कियां भागते हैं दर के मारे भागती थी। तो इस तरह का मजाक किया करता था वो। हमारे बंगाल में पूजा के टाइम पे पैसे देते हैं। और वो क्या करता था कि उस टाइम पे जब लोग पैसे फेंकते हैं वो भी भगवान के सामने गिर जाता था और लेटा रखा था, जैसे भगवान को याद कर रहा है। लेकिन असल में वो जीन से ढूंढता रहता था कहाँ अठन्नी पड़ी है, कहाँ चवन्नी पड़ी है। मेरा टीचर मुझे कहा करता था कि देख तेरा भाई कितना भक्त है, पूजा कर, एक बारी भगवान के सामने सोता है तो उठता ही नहीं है। उसे नहीं मालूम था कि वो जीव से जितने गिरे हुए पैसे हैं उनको एक एक करके उठाता था। तो इस तरह था मेरा भाई। गुड इवनिंग सुभाष जी, हाउ आर यू? आई एम फाइन सौरभ। नीतू जी, सुभाष जी हमारे कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, वी स्टे इन द सेम कॉम्प्लेक्स। सीरियसली? सुभाष अरोरा जी, मिस्टर सुभाष बंसल? सुनिए, सुभाष बंसल जी। ओह हाउ वंडरफुल इज दैट, सच अ स्मॉल वर्ल्ड। इट्स ग्रेट टू सी हिम। हेलो सर। राइट, वंडरफुल। सो सौरभ, आपकी टर्न आ सकती है अभी। मेरी, चलिए मैंने निकाला है वो। लास्ट ईयर मैंने एक कविता सुनाई थी, आई थिंक कुछ लोगों को याद होगा, ओम प्रकाश आदित्य जी की, स्कूल वाली। हाँ, स्कूल वाली, परीक्षा वाली। क्या बात है प्रवीण जी, इंप्रेस। हाँ जी, याद है। वाह, वेरी गुड। अभी डिमेंशिया हुआ नहीं है ऋतु जी, डिमेंशिया नहीं हुआ। मुझे भी नहीं याद थी, इसलिए मैं इंप्रेस हो गई जेन्युइन। अच्छा, आप शायद नहीं, आप उस समय नहीं थे शायद, उस समय यू आर प्रोबेबली, आपने सुना नहीं होगा। मेबी शी वाज हियर, आई डोंट नो, मेबी शी वाज इन द ब्रेक, शी वाज अनवेल, उस समय की बात है। देखिए आपको याद आती है तो। ये है शीर्षक है इसकी, छात्र की प्रार्थना। हे प्रभु, इस दास की इतनी विनय सुन लीजिए, इस बार मेरी नाव को उस पार तो कर दीजिए। मैं नहीं डरता प्रलय से, मौत या तूफान से, मैं नहीं डरता प्रलय से, मौत या तूफान से, कांपती है रूह मेरी पर सदा इम्तिहान से। इस भयानक भूत को किसने किया ईजाद, था वो आदमी था या किसी शैतान की औलाद था। पाठ पढ़ना, याद करना, याद करके सोचना, सोच कर लिखना उसे, लिख कर उसे फिर सोचना,
टाए टाटा टाए टाटा रोज रखता हूँ प्रभु, पुस्तकों के रात दिन पन्ने पलटता हूँ प्रभु, भाग्य में लेकिन न जाने कौन सा अभिशाप है, रात को रटता सुबह मैदान मिलता साफ है। पी गई इंग्लिश हमारे खोपड़ी के खून को, पी गई इंग्लिश हमारे खोपड़ी के खून को, मैं समझ पाया नहीं इस बेतुके मजमून को, क्या करूं हर शब्द के स्पेलिंग सताते हैं मुझे, स्वप्न में भी शेक्सपियर दिख जाते हैं मुझे, फूल होना चाहता था फूल मुझको कर दिया, फूल होना चाहता था फूल मुझको कर दिया, जिंदगी भर लिख न पाया मैं चकस लवा किया, गणित के अतिरिक्त मुझको और कुछ भाता नहीं, क्या करूं लेकिन गुना करना मुझे आता नहीं, अक्ल एलजेब्रा जाएगा हमारे जड़ से पचा, तीन में से छह गए तो और क्या बाकी बचा। और एक सब्जेक्ट जो सबको परेशान करती है, सबको डेफिनेटली करी होगी, कि नाश हो इतिहास का सन के समंदर बह गए, नाश हो इतिहास का सन के समंदर बह गए, मर गए वो लोग रोने के लिए हम रह गए, शाहजहां बाबर हुमायूं और अकबर आप था कौन था बेटा न जाने कौन किसका बाप था। भूगोल ज्योग्राफी, भूगोल में गतिवर्ष आया गोल है कैसे धरा, और एक झटके में मैंने लिख दिया उत्तर खरा, गोल है पूरी कचौड़ी पूप पापड़ गोल है, गोल रसगुल्ला जलेबी गोल लड्डू गोल है, गोल गप्पा गोल है, मुंह भी हमारा गोल है, इसीलिए है मास्टर जी ये धरा भी गोल है, गोल गप्पा गोल है, मुंह भी हमारा गोल है, इसलिए है मास्टर जी ये धरा भी गोल है। झूम उठे मास्टर जी इस अनोखे ज्ञान से, और पर्चे पर उन्होंने लिख दिया ये शान से, ठीक है बेटा हमारी लेखनी भी गोल है, गोल है दावत नंबर भी तुम्हारा गोल है। अभी और भी है, क्या करूं हिंदी मजा मुझे इसमें आता नहीं, लाख सिर झड़झोड़ता हूं कुछ समझ पाता नहीं, गद्य हो या पद्य दोनों काल है मेरे लिए, ये व्याकरण सबसे बड़ा जंजाल है मेरे लिए, हाय हिंदी की जगह मैं आज हिंदा लिख गया, भैंस को पशु की जगह मैं तो परिंदा लिख गया, राम रामो राम रामो हाय प्यारी संस्कृतम, मर गया मैं आई तुम न मर गया मैं तुम न आई, रच्छ गच्छ कजुम मरम मंड मंडम चंड खंडम रुंड मुंड चटापटम, चट्ट रोटी पट्ट लालम चट्ट पट सफा चटम, खैर परीक्षा खैर परीक्षा का समय जो जो निकट आने लगा, सौरभ यू गॉन ऑन म्यूट ओके या ओके हाँ खैर परीक्षा का समय जो जो निकट आने लगा, पुस्तकों में एक वस्तु ही नजर आने लगा, छोड़कर सारे सहारे आ गया हूँ द्वार पर, मार घुसा लात थप्पड़ किंतु बेड़ा पार कर, हे दया मैं हर तरह से मैं दया का पात्र हूँ, नाम है सौरभ मेरा आठवीं का छात्र हूँ। मैंने भी अभी 35 साल पहले पढ़ा था पर अभी भी मुझे याद है ये कविता। ये बताओ आप कहाँ चले गए थे? बस जी ऐसे ही गायब हो गए थे दुनियादारी में। अरे जैसे कुछ तो बताओ, हम लोग भी तो जान ले, हम लोग भी आप एक घर के सदस्य हो गए मोहा के। हाँ जी मैं वेट कर रही थी, आपका चेहरा दिखाई नहीं पड़ रहा, आप कहाँ चले गए? बस जी मैं ही जबरदस्ती का आलस कर रहा था जी, अब रेगुलर हो जाऊंगा, कोई बात नहीं। ठीक कोई बात नहीं, आज मेरा कैमरा ही नहीं खुल रहा है, कोई बात नहीं मैं महंगा बोल रहा हूँ। हाँ जी मैम, हेरिटेज सिटी Right, anybody else would like to volunteer? Mr. Bhamri. Anji, Mr. Bhamri.
ये हमारे प्रोफेशन में होता था कि जैसे हमारे पास स्कूटर होता था, कॉल्स करनी होती थी, तो हम लोग अब जाते थे तो हेलमेट का बड़ा चक्कर था। हेलमेट जो है टांगा रखते थे तो एक दफा पुलिस वाले ने पकड़ लिया और बोला कि आपका 500 रुपए का चलान है। तो हमने कहा कि ऐसा है कि कुछ ले दे के हो जाए, तो 50 का नोट निकाला तो उसको दे दिया। लेकिन उससे पूछा, भाई ऐसा है आपको तो मैंने 50 दे दिया, आगे किसी ने पूछा तो कैसे छुटकारा होगा। कहता है एक हमारा कोड वर्ड होता है तो वो उसको बोल देना। क्या? उन्होंने कहा बोलो क्या। कहता आप बोलना पीछे जूस पिला दिया है। तो वो दूसरे चौराहे में जाता है तो पुलिस वाला रोकता है, कहता है पीछे जूस पिला दे। कहता अच्छा अच्छा जाइए आप। तीसरे चौथे पांचवें तो वो बड़ा सक्सेसफुल हो जाता है और फिर सबको आके बताता है हमें कि भाई देखो ऐसे ऐसे बहुत मैं तो आज बेवकूफ बनाया 50 रुपए में 10 जगह घूम के। तो अगले दिन दूसरा हमारा कुलीग जो है वो सोचता है कि मैं भी ऐसे करूँ। उसने हेलमेट टांगा उसमें स्कूटर पे और चल दिया और जैसे उसी तरह हुआ पहले चौराहे पे पुलिस वाले ने पकड़ लिया। तो कहता है कि मैंने पीछे जूस पिला दिया। पुलिस वाला कहता है आज पकड़े गए, आज का कोड वर्ड है लस्सी, जूस नहीं। छोटा सा जोक और है दूसरा। आजकल के कोरोना में जैसे प्रवीण जी कहती है बड़े बहुत फेड अप हो गए सुन सुन के, तो एक ऑल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का डॉक्टर है उससे एनडीटीवी वालों ने इंटरव्यू लिया। तो मेरी तरह एक सज्जन वहां बैठे थे, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ऐसा करो कुछ ना लाइट वे में बता दो ये कोरोना है क्या। तो डॉक्टर बोला कि ये कोरोना है एक जैसे एक वीआईपी होता है ना उस तरह का है। ये कहता है कि मेरे को बाहर आके रिसीव करो तब मैं आपके घर आता हूँ। कहते हैं ना स्टे 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 एट होम, इसके रूप में है। और तीसरा एक छोटा सा जोक हमारे प्रोफेशन का ये है। हमारे यहाँ पे क्या होता था कि जो डेली रिपोर्ट है जितने डॉक्टर्स को मिलते थे उसकी डेली रिपोर्ट नेक्स्ट डे पोस्ट करनी होती थी। तो एक हमारे जैसे मेरठ में पोस्टिंग थी तो लोग दिल्ली से आते थे तो कह रहे हैं कंपनी को पता ना लगे मैंने रिपोर्ट सारी तैयार करके दी है, मंडे को सुबह ना तू डाल दियो। मैं ना 3-4 उसको हमारे यहाँ बड़ा फेमस होता था फरलो फरलो मार के मैं 3-4 दिन बाद आऊंगा तो ये मंडे को जरूर पोस्ट कर दी। कहते ठीक है। तो वो दिल्ली से होके मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे आता है तो उसको हेलो हेलो करने के बाद ये पूछ हाँ तो उसी फ्रेंड से पूछता है कि आप तूने मेरी रिपोर्ट पोस्ट कर दी थी। कहता है तूने ये कब कहा था कि कब करनी है, अगर इतनी जल्दी है तो ये ले अपने अभी पोस्ट कर ले, मैंने तो अपने पास से रखी हुई है। वेरी गुड। बैलगाड़ी वैसा ही एक सुनाती हूँ। पंजाबी के वर्ड्स बीच में आएंगे तो वो समझ जाएंगे, एनसीआर वाले तो समझ सकते हैं। एक कोई फ्यूनरल प्रोसेशन जा रहा था तो एक आदमी देखा बहुत भीड़ है वहाँ पे और वो कुछ बोल रहे हैं, सारे एक साथ कुछ बोल रहे हैं। तो उसने कहा भाई ये क्या चक्कर है। कहते फला जो बंदा है उसकी वाइफ की डेथ हो गई है तो ले जा रहे। कहते बोल क्या रहे हैं, राम नाम सत्य वगैरह कुछ नहीं बोल रहे। कहते ये बोल रहे हैं टोया खंबा छड़ के, टोया टोया कहते गड्ढे को, खंबा तो जानते हो पोल को बोलते हैं, टोया खंबा छड़ के। कहते ऐ क्यों बोलते हैं, ठहर जा जरा तुम दसदा आगे। वो जब फ्यूनरल तो उसे पूछा क्यों बोल रहे थे, कहते दरअसल ये लेडी पहले भी मर चुकी थी, एक बार मर गई थी, फिर बाद में इसको जब ले जा रहे थे तो एक गड्ढे में पैर पड़ गया जो पाल बियरर्स थे ना उनका, तो वो गिर गई और वो उसको होश आ गया, वो जग गई मतलब जिंदा हो गई। वो बंदा बहुत घबराया बिकॉज ही वांटेड टू गेट रिड ऑफ हर, कि वैसे बीमार हो गई मरी थी। तो कहते उसको ले गए, दूसरी बार जब ले गए तो एक देखा ही नहीं किसी ने, एक खंबे से टकरा गए, खंबे से टकरा गए वो फिर गिर गई। कहते अब तो वो इतना घबराया हुआ है ना
कि तीसरी बार हो गया तो मैं क्या करूंगा, तो सबको सिखा दिया कि सबने ये बोलना है कि टोया खंबा छंड के भाई, ये मतलब था तुम्हें बच के चलना कहीं दोबारा किसी का गड्ढे में पैर ना आ जाए या पोल से लटक रहा से। दिस वाज सिंपल, टोया ही वर्ड था पंजाबी का, तो कुछ नहीं। ये तो वैसा ही है कि एक औरत को किसकी वाइफ को ना कुत्ते ने काट लिया तो उसकी डेथ हो गई, तो उसके फ्यू मतलब बाद में अफसोस करने के लिए इतना उनके घर के उधर रश लग गया और सबने कहा भाई बड़ी फेवरेट थी लोगों की, बड़ी फेमस थी भाई, इतना लोग इसको पूछने के लिए कितना अफसोस करने के लिए आए। वो कह रहे नहीं ये लाइन इसलिए लगी हुई है, वो कुत्ता लेने आए जिसने उसको काटा था। हम लाइन में लगे हुए नंबर अपना नंबर लगा दिया, बुक करवा दिया। जैसे एक इंक्वायरी करने पहुंचा एक रेलवे स्टेशन पे, 99 लोगों का मतलब वो दब के मर गए ट्रेन के नीचे, तो इंक्वायरी करने का भाई कैसे हुआ, कैसे 100 लोग टोटल थे 99 मर गए। एक आदमी आया कहता जी वो ऐसे था, दरअसल अनाउंसमेंट हुआ कि शताब्दी प्लेटफॉर्म पे आ रही है तो लोग भाग कर ना रेलवे ट्रैक पे चले गए, प्लेटफॉर्म पे आ रही है, तो कहते अच्छा ये क्या हुआ प्लेटफॉर्म पे, कहते नहीं उन्होंने बोला प्लेटफॉर्म पे, डर गए सारे, कहते तुम कैसे बच गए, कहते मैं तो एक्चुअली सुसाइड करने आया था इसलिए मैं प्लेटफॉर्म पे जाके लेट गया कहते इसलिए मैं बच गया, मतलब आई वो सोचा प्लेटफॉर्म पे बच जाऊंगा तो बस मेरा सुसाइड नहीं हो पाया मैं मर गया, वो तो वो भी सिर्फ पीट के चला गया बेचारा, क्या करता था, तो छोटा सा ही जो फिर भी स्टिल आई लाइक इट। गुड वन मंजू जी, गुड वन। हां जी आप भी सुना दो, आप भी सुना दो कोई। हां जी रंजना जी बोलिए। एक चुटकी मैं सुना रही हूं, एक बच्चा डॉक्टर बैठा है। एक सेकंड रंजना जी के बाद, एक सेकंड में आती हूँ आपके पास। हाँ जी डार्लिंग विन्ना। हाँ जी रंजना जी आप म्यूट पे हो। हाँ जी हाँ जी। सचिन और नवीन दो दोस्त थे स्कूल में, तो जब बड़ा हो गया तो सचिन शादी नहीं किया, ही वाज बैचलर, और नवीन शादी कर चुका था, तो सचिन के सभी बाकी सबकी शादी हो गई थी इसलिए अकेला अकेला रहता था, गाना सुनता था। एक दिन गाना सुन रहा है शाम की बदत, तो नवीन आया एकदम बहुत बेचैन होके आया, तो बोला क्या बात, क्या गड़बड़ हुई है, बोला अरे मेरी तो पहले कल दूसरी वाली बेटी हो गई, तो मेरी दीदी तो पागल जैसे हो गया, दो दो बेटी हो गई, तो अब क्या किया जाए, उसको कैसे संभाले समझ नहीं आ रही। बोला अरे घबराओ नहीं, हमारे इधर मोहल्ले में एक मंदिर के पीछे एक साधु है, वो एक जड़ी बूटी देता है, वो खाने से जरूर बेटा हो जाएगा। तो बोला ठीक है पैसा जो भी लगे हम दे देंगे। तो फिर दोनों पिक किया, वो साधु से जाके बात करके आया, तो देखा बहुत लंबी भीड़ है, सचिन और नवीन दोनों जाके देखा, फिर जब उनकी चांस आया तो साधु ने बोला देखो इसको बहुत अच्छी तरह से इसको वो लेना पड़ता है, नहा धो के फिर पूजा पाठ करके पूजा के जगह में रख के फिर सुबह बिना खाली पेट में इसको लेना पड़ेगा, फिर देखना जरूर बेटा होगा, तो वैसा ही किया है। तो अब फिर सचिन तो फिर वो हो गया अलग फिर रहने लगा, 10 महीने के बाद नवीन फिर आया एकदम रूखा सूखा, आपके बोला पागल तूने मेरे को क्या जड़ी बूटी दिलवाया है, उसका तो मेरी दीदी का तो दो जुड़वा बेटी हो गई है, फिर दुबारा इससे बोला कैसे, तो फिर साधु के पास गया बोला दो इतना पैसा लिया आपने तो मैं पहले ही हमारी दो बेटी थी और जुड़वा बेटी हो गई, वो कैसे हो गया, बोला अरे अब तो सोचिए नहीं अब तो काम करने लगी है दवाई, अब हो गई ना जुड़वा बेटी, अब आगे से जो होगा सब बेटा ही बेटा होगा।
आगे से सब समझ के बेटा ही बेटा हो गया, जो होना था बेटी का जो वो हो चुका है, यही है। एक्चुअली ना आवाज थोड़ी समझ नहीं आई। इनके है ना थोड़े उसमें क्लियर नहीं आ रही थी, मैं क्लियर नहीं आती इनकी आवाज, कभी भी क्लियर नहीं आती। एक्चुअली हां साउंड के ना यहां का थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम है, थोड़ा साउथ दिल्ली में थोड़ा प्रॉब्लम है। तो स्टोरी सुनाई नहीं दी आप लोगों को? नहीं सुनाई दिया, लेकिन क्या होता है कि वर्ड्स पूरे क्लियर नहीं समझ आते, पूरा क्लियर नहीं हुआ। हाँ तो क्लियर पता लगती है आपने क्या बोला। हम लोगों का साउथ दिल्ली का नेटवर्क बहुत खराब है, इसलिए ऐसे ही थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। चलो जी वीना जी आप सुनाओ। तो वीना जी, वीना डार्लिंग ओहो आजो, ओ माइक खोलो, मैं सुनाती हूँ। एक बच्चा ना, बच्चा डॉक्टर के पास जाता है, कहता है डॉक्टर साहब मुझे रात को ना सपने में बंदर फुटबॉल खेलते नजर आते हैं। तो डॉक्टर कहता है कोई दिक्कत नहीं है, ये गोली ना रात को सोने से पहले खा लेना। तो डॉक्टर साहब कल से खाऊंगा, आज तो उनका फाइनल मैच। फाइनल मैच देख के सोऊंगा। मैं बताती हूँ, ये वैसा जब हम लोग यूएसए में थे तो जो हमारा लॉन थी बहुत बहुत बड़ा थी, लेकिन कोई दूसरा लड़का बच्चे उधर में है ना, लॉन मोर करते करके देते कुछ देते तो उनको पॉकेट मनी देता। तो मेरा बेटा तब 12 साल का था, तो मैंने उसको बोला देख तू तो कुछ नहीं करता, वो लड़का देख वो कितना अच्छा लॉन मोर करके और वो पॉकेट मनी लेता। तो उसको भी ईगो में थोड़ा लगा कि हाँ मुझे भी। तो उसने एक दिन करने बहुत बड़ा लॉन मोर करके करते करते एकदम चिल्लाया मम्मी मम्मी सांप सांप। तो मैंने बोला कहाँ सांप आएगा इधर। तो हम लोग से हंसने लग गया, वो सांप नहीं है वो स्क्रेल का, उनका वो बहुत बड़ा पूछा होता है तो वो ही होगा। तो कहते नहीं मम्मी आप, वो सचमुच रोने लग गया कि मैंने खुद ही सांप देखा। तो हम निकल आए तो फिर हमने बाहर जाके देखा सचमुच सांप है, ऐसा ऐसा जा रहे। तो फिर हमने क्या क्या डर के मारे, हम भी बहुत डर गए। तो फिर हम थोड़ा कुछ पत्थर ईटे था तो मारते मारते, लेकिन ये बोलता है कि जब तक सांप के सिर पे नहीं लगेगा तो वो तो टुकड़ा टुकड़ा हो गया। तो बहुत टुकड़ा टुकड़ा हो गया, तो इतना खराब भी लग रहा था। मारते गया फिर उधर बैम्बू शूट का बैम्बू का कुछ बैरियर था तो उसके अंदर में चला गया। फिर हमने सिटी ऑफ रॉकविल में फोन किया, उन्होंने कार्बोलिक एसिड वगैरह लेके आए और चारों तरफ उसको चिटकाते गए। और फिर हम लोग को शाम को हमारे कुछ फ्रेंड था जो उनको ना सांप के बारे में बहुत वो पता था, उन्होंने देख के बोला अरे ये तो बहुत ही पॉइजनस सांप है, ये उनको नाम बोला है कि कोबरा ना कुछ ऐसा बोला। तो फिर हमने बोला कि ठीक है ऐसा है। तो हम लोग का सबको मन में बहुत खराब एक फीलिंग हो रहा था, एक तो मारा ऐसा करके मारा इतनी टुकड़ा हुआ। तो हम लोग सवेरे रात को तो फिर हम सो गए, मैं सवेरे उठ के हम बोल रहे कि कल रात को मेरी नींद नहीं हुई, ऐसा इंसिडेंट हुआ है घर में, ऐसा आया और हम इतना करके ऐसा करके मारा, मारने तो पड़ता है लेकिन बहुत खराब भी लग रहा था। तो फिर और मेरा हस्बैंड क्या बोला, इनके घर में फिल्म का बहुत ही इन्फ्लुएंस है, इनके ब्रदर भी फिल्म इंडस्ट्री में है, रतन भट्टाचार्य इनके मेरे मदर इन लॉ, उनको इतना फिल्म की वो थी। तो उस टाइम पे मेरे को क्रिटिसाइज करती सब मिलकर कि मैं शादी के पहले खाली दो फिल्म देखी थी, एक पड़ोसन और एक मुगले आजम, क्योंकि मेरे पापा सोचा कि पड़ोसन मतलब पद्मासन। मैंने बोला पापा ये तो पद्मासन के बारे में दिखा रहा है, इसमें कुछ खराब नहीं है, और मुगले आजम तो हिस्ट्री का है। तो उन्होंने दो फिल्म खाली हम लोग को शादी के पहले दिखाने का अलाउ किया था, तो इसलिए मेरे को फिल्म का कुछ उतना नहीं पता थी। तो ये रात को सो के सवेर जब उठा तो मैंने बोला क्या कल हुआ, अच्छा नहीं लग रहा था। तो मेरा हस्बैंड बोलता मेरे को तो सारी रात श्रीदेवी ने जो नागिन का डांस किया वो ही मेरे स्क्रीन पे आया, जो श्रीदेवी नाच रहे है। मैंने क्या है भगवान, हम लोग सब इतना मूड हम लोग का खराब हो गया, और मेरा हस्बैंड तो पूरी रात ही श्रीदेवी को देखा। तो नेचुरली उनका मन में कुछ हुआ नहीं, ही एंजॉयड, इट वाज एक्चुअली रियली इट हैपेंड। तो वो दिन अभी भी याद होता है कि ऐसा ऐसा
हुआ था। अपना अपना पर्सपेक्टिव है। किसने किस एंगल से देखा, किसने किस... ये तो हमेशा हम चिराते हैं कि जब श्रीदेवी का डेथ हो गया, मैंने कहा है भगवान इनको तो बहुत मुश्किल होगा, श्रीदेवी आज नाग मरा है, उस दिन कहना था कि आज नागिन मरी है, नागिन नागिन बोल के आया था ना, तो उसी का ही वो सोचते रहे रात को, सारी रात नागिन का। वेरी गुड ऋतु जी, आप सुनाओ कुछ। तेरा तू हंस देगी बस, तेरा गोरी हंस दे तू, हंस दे तू। नेक्स्ट टाइम जरूर सुनाऊंगी, आज तो मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। बड़ा नोन डायलॉग है। कोई नहीं सुना रहा तो फिर मैं सुनाती हूँ। सुनाओ सुनाओ सुनाओ। जोक तो एक बार एक हस्बैंड वाइफ थे, तो हस्बैंड कह रहे हैं कि बड़े आज कमर में दर्द हो रही है, कि ऐसे करो पड़ोसन के घर से ना जरा आयोडेक्स ले आओ। वो कहती वाइफ कहती है नहीं नहीं वो नहीं देगी, बड़ी कंजूस है वो, कल भी मांगने गई थी, कहती है लॉकडाउन लगा हुआ है सारी खत्म हो गई। तो वो कहते हैं अच्छा हाँ है तो बड़े खानदानी कंजूस वो लोग, पता नहीं इतना पैसा कहाँ ले जाएंगे। तू ऐसे कर अभी जो अपनी अलमारी में जो पड़ी है ना वो ही निकाल ले, आज दर्द थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है। वेरी गुड वेरी गुड। मतलब दूसरों को बात करनी कितनी आसान है। शर्मिला जी, हाँ शर्मिला जी तो मेरी क्या सुना है, बचपन की बात है। I was about I think 6-7 years old. हम लोग गए थे। आवाज इको हो रही है, आवाज हमारी इको हो रही थोड़ा सा। इको इको आ रही है, ठीक आ रही है। हाँ तो हम लोग गए हुए थे मूवी देखने गुमनाम, पेरेंट्स के साथ थी मैं, और मे बी आई वाज सिटिंग इन माय फादर्स लैप, क्योंकि अलग से सीट नहीं मिलता ना बच्चों को। तो पिक्चर चल रही थी और एक गाना चल रहा था उसमें, जिसमें मूवी में सीन था कि बारिश हो रही है एंड द हीरोइन इज यू नो गाते हुए जा रही है अपना, और पिन ड्रॉप साइलेंस हॉल में, एंड इट वॉज ओनली मी यंग 6-year-old गर्ल Who quipped in, जब बुखार चढ़ेगा ना तब मजा आएगा, and then perhaps उस गाने के बीच में भी the whole hall heard me and they laughed. If I could be audible to you. Very nice, very nice. हाँ जी हाँ जी बहुत बढ़िया। बच्चे ऐसे बोलते हैं ना। सविता जी, आयु दे हेलो। हाँ जी नहीं थोड़ा अनफेल कर रही हूँ, सेकंड वैक्सीनेशन हुआ कल रात में। ओके ओके सॉरी। नो इशू नो इशू। नीलम जी ऐसे क्यों नहीं ऑफेंड, एक याद आ रहा है कि हस्बैंड ने ऑफिस में बैठे बैठे ना फेसबुक पे एक पोस्ट किया था, पंछी बनो उड़ती फिरू उड़ता फिरू मुझे गगन में। थोड़ा थोड़ा लाउडली बोलिए, समझ नहीं आ रही। हस्बैंड ने ऑफिस में बैठे फेसबुक पे एक पोस्ट लिखा, पंछी बनो उड़ता फिरू मस्त गगन में। तभी वाइफ का एक पोस्ट साथ में आया, धरती छूते ही सब्जी ले आना अपने भवन में, वरना एक भी बाल नहीं बचेंगे तुम्हारे चमन में। Yes, yes, very good, very nice. ये तो टिपिकल है औरतों का। हस्बैंड वाइफ के तो इतने जोक्स है ना, इतने मतलब चलते हैं। हाँ एक वाइफ एक दिन हस्बैंड ऑफिस से आता है ना, वाइफ बड़ी निराश सी ऐसी शीशे के आगे खड़ी होके ना बड़ा सैड सी लग रही है, कहती है देखो कितनी अगली लग रही है, मैं हाँ मोटी हो गई हूँ, ये हो गया, ऐसे हो गई हूँ, बहुत बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, आई नीड सम कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम यू। तो हस्बैंड तो हस्बैंड ही होते हैं, वो कहते हैं ओके, एक मिनट सोचता है, कहता है यस योर आई साइट इज परफेक्ट। यस यू कैन सी योरसेल्फ।
एक आदमी बाहर खड़ा लॉन में दूर एक बड़ी सुंदर सी औरत को निहार रहा था, तो उसकी वाइफ आती कहती है क्या देख रहे हो उसको, कहता नहीं कुछ नहीं, कहती उसको कोरोना है, कहते हैं सच में, कहती हाँ बिकॉज शी डजंट हैव अ टेस्ट, शी इज लुकिंग एट यू शी डजंट हैव अ टेस्ट। आजकल तो कोरोना पे जोक्स आ रहे हैं। राती का जोक है बहुत अच्छा सा, गुजराती लोग ना बड़े सिंपल होते हैं और मतलब हर चीज को बहुत इजीली मतलब इन्हें लेते हैं, इजी वे में लेते हैं मतलब हर चीज को। तो दो दोस्त बाइक पर जा रहे थे तो बहुत तेज हवा चल रही थी, तो जो ड्राइवर चला रहा था तो उसने बोला बहुत हवा चल रही है और हवा घुस रही है मेरी शर्ट में, तुम तो ऐसा करो उसको पीछे की तरफ में पहनकर पीछे बटन लगा दो बैक साइड में। तो उसके दोस्त ने पीछे बटन लगा दिया, आगे जाकर उनका एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट हो गया तो गिर गया। अब जो दूसरा दोस्त था तो वो तुरंत गया डॉक्टर को बुलाने के लिए, उसने डॉक्टर से, डॉक्टर आया, डॉक्टर ने बोला कि अरे ये तो मर गया। बोले क्या किया, बोले कई वादों ने थे मतलब कोई बात नहीं। बोले कि तुमने किया क्या, कहले मैंने सिर्फ सर सही कर दिया, मतलब मर्द गर्दन जो है ना उसे सीधी कर दी। मतलब उसने बटन पीछे करवाए थे तो उसने सोचा कि बटन पीछे है तो इसका इस तरफ ही होगा, फेस पीछे ही होता है, शर्ट सीधी करने के बजाय गर्दन सीधी कर दी। बोले कई वादा रहती बोले कोई बात नहीं। बोले चल कोई बात नहीं, वो तो गया जान से, बोले अपनी। चलिए एनीवन फॉर द लास्ट जोक। व्हाट्सएप के हैं सबने सुने होते हैं, कोरोना पे एक जोक है सबने, वैसे शायद बहुत लोगों ने सुना होगा कि एक हस्बैंड का वाइफ ना टेस्ट कराती है कोरोना टेस्ट, तो वो डॉक्टर रिपोर्ट आती है तो डॉक्टर कहता है कि भाई ना वी आर वेरी सॉरी कि इसका जो रिपोर्ट है ना मिक्स हो गई, एक अल्जाइमर का पेशेंट था और उसके साथ मिक्स हो गई है। तो उसने कहा फिर अब मैं क्या करूँ कि भाई मुझे मैं क्या समझूँ कोरोना है कि नहीं है। उसने बोला कि ऐसे करो तुम इसको वॉक पे लेके आओ, लॉन्ग वॉक पे लेके जाओ और वहां जाके तो वहां जाके क्या करो, वहां जाके उसको छोड़ देना, वहां छोड़ देना उसको और तुम वापस आना। अगर तो ये तो घर आ जाए वापस तो मतलब तो अगर वो घर आ गया तो फिर दरवाजा मत खोलो, अल्जाइमर नहीं। अगर नहीं आता तो इसका मतलब अल्जाइमर का वाला रिपोर्ट उसका है, अगर आ जाता है तो कोरोना, इसलिए दरवाजा मत खोलना फिर उसको। थोड़ा मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई। मैं एक सुनाऊं, एक लास्ट। हां जी कैन आई। हां जी मैडम। हां सोचो अगर डॉक्टर फिल्म बनाते तो क्या फिल्मों के नाम होते, कभी खांसी कभी जुकाम, कहो ना बुखार है, टीबी नंबर वन, हम ब्लड दे चुके सनम, रहना है हॉस्पिटल में, बचना ए मरीजो, लो मैं आ गया। दिल जो कमजोर है जी, दिल तो कमजोर है जी, एक हसीना दो किडनी, अब मरीज की अजब मरीज की गजब बीमारी। सो ये होती फिल्में जो फिर डॉक्टर्स बनाते तो, दैट्स इट। चलो वेरी नाइस, जोक सुनाने वाली थी बट आई एम नॉट गोइंग टू। गीता जी जहाँ पे मैं कहती हूँ मुझे जोक सुनाना आता नहीं, वो पंच लाइन ही खराब हो जाती है उसकी। नहीं नहीं सुनाओ सुनाओ, कुछ नहीं होता, हो जाता है। तो मैं एक अपने बचपन का किस्सा बताती हूँ।
मतलब वो जो एक टाइम होता है जब हम बड़े हो रहे होते हैं, यू नो यू कीप हैविंग क्रशेस एंड ऑल दैट एंड एवरीबॉडी इज अट्रैक्टेड टू यू और समथिंग, मतलब ऐसे होता है. सो मुझे याद है कि हम लोग सारे ग्रुप में एक बार मूवी देखने गए थे हम सारे, एंड बहुत सारे हम बच्चे बच्चे थे. सो जैसे हम बैठे हुए थे पूरी लाइन में, सो आई वाज सिटिंग एट वन एंड एंड मेरी फ्रेंड मेरे साथ बैठी थी, एंड हम लोग हॉरर मूवी देखने गए हुए थे वहां पर. सो यू नो जैसे जैसे मूवी बोल रही थी, ओमन या कुछ मूवी थी, एंड डर भी लग रहा था बट देखनी भी थी हमें. तो जैसे हम टिपिकली होते एक आंख बंद करके कान पे हाथ रख के पिक्चर तो देखनी थी हमें, कि चाहे जितना मर्जी हॉरर हो. सो जैसे जैसे वो पिक्चर बढ़ती गई, जैसे जैसे हमारी एंजाइटी लेवल्स बढ़ते गए, तो जैसे मैंने अपनी फ्रेंड का हाथ वाथ पकड़ के जोर से ऐसे पकड़ के मैं पिक्चर देख रही थी. सो यू नो मतलब वी वर काइंड ऑफ ट्राइंग टू होल्ड ऑन टू ईच अदर एंड गिव स्ट्रेंथ टू ईच अदर, बट पिक्चर छोड़ के नहीं जाने वाले थे हम लोग. सो आफ्टर दैट जब इंटरवल वगैरह हुई, वी ऑल यू नो हैड व्हाटएवर वी हैड टू ईट एंड ऑल, एंड देन वी केम एंड सैट डाउन अगेन. सो एज द मूवी कंटिन्यूड, एंड ऑब्वियसली मतलब अगर हॉरर मूवी है तो जब तक क्लाइमेक्स आएगा तो द इंटेंसिटी ऑफ द हॉरर हैड टू इंक्रीज. सो आई पिक्ड अप माय फ्रेंड्स हैंड अगेन एंड आई वाज सो बिजी होल्डिंग ऑन टू इट, मैं उसके जोर से हाथ दबा रही हूँ, एंड सडनली हाफ वे थ्रू आई रियलाइज्ड कि शख्स मेरी फ्रेंड तो इंटरवल के बाद वहां जाके बैठ गई थी दूसरे साइड पे, मैंने किसका हाथ पकड़ा. सो मिडल ऑफ द सीन आई टर्न टू लुक, एक कोई बेचारा लड़का बैठा हुआ था थोड़ा, उसकी तो जिंदगी बन गई उसका हाथ पकड़ के. And that guy is looking at me कि what is wrong wow. with this woman? बेचारा क्या हुआ, उसकी तो लॉटरी खुल गई. उसके लिए हॉरर नहीं था, रोमांटिक मूवी बन गया. उसने तो जाके और suddenly when I realized I looked at the hand and I looked at him and again looked और मैंने जो उसका हाथ उसके ऊपर वापस फेंका है. रितु जी कहीं वो हाथ अभी तक तो नहीं पकड़ा हुआ है? Oh, I wish I had had a love marriage. I have had a purely arranged marriage. So ये तो मलाल मेरे कॉमेडी ऑफ एरर्स बन गया ना. ये मलाल जो लड़का है ना, वो रोज जाकर बैठता होगा, सोचता होगा ये वापस आएगी मेरा हाथ पकड़ने के लिए, रोज मूवी देखता होगा. प्योरली तो आप ऐसे कह रहे हो कि जितनी लव मैरिज है इम्प्योर होती क्या? मुझे अपनी याद आ गई, हम बीएड में थे तो जैसे हॉस्टल में रह रहे थे रूम में, तो रात को दरवाजा खुला मतलब बजा मेरा, तो मैंने दरवाजा खोला एकदम, तो देखा कि कोई भूत है मेरे सामने. मैं इतना डर गई बहुत ज्यादा. अब मेरे पापा कहते थे कोई भूत भूत नहीं होते, अब मैं को पापा झूठ बोलते थे, भूत तो होते हैं, ये तो भूत ही है वास्तव में. अब मैंने सोचा ये तो आज मुझे मारने आया है, मैं गई बस दुनिया से गई. मैंने अपनी सारी पावर इकट्ठी की, इतनी ज्यादा मतलब पावर इकट्ठी की अपने अंदर कि बस अब तो तू मर तो चुकी है, तेरे को ये मार तो देगा लेकिन कुछ कर ले अपने लिए. तो मैंने उसके ना इतनी जोर से, जैसे उसने काला चेहरा पूरा काला गाउन पूरे ऐसे दांत बड़े बड़े लगा रखे थे, मैंने उसके बाल पकड़े खींचू जोर जोर से, अपनी पूरी पावर लगाऊ, और वो बोले छोड़ छोड़, मैं नहीं छोड़ मैं जस्सी हूँ. मैंने कहा नहीं तू जस्सी नहीं है, तू भूत है, तू भूत है. वो वास्तव में एक लड़की बन के आ गई थी भूत, पर सच्ची में मैं उसको छोड़ने को तैयार नहीं थी. आसपास लोग चिल्ला रहे मत छोड़ना इसे, मत छोड़ना ये भूत है. तो बाद में मतलब जैसे वो बहुत रोने लगी चिल्लाने लगी, तो मतलब अल्टीमेटली बचाओ करने लग गई, तो अल्टीमेटली छोड़ा. तो पता लगा वो दो कमरों में पहले भी घूम के आई है और वहां दो तीन लड़कियां बेहोश पड़ी हैं डर के मारे. उनके लिए हमें स्पेशली वार्डन को डॉक्टर बुलाना पड़ा उसी समय, क्योंकि उनको होश ही नहीं आ रहा था. हम समझाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उस समय तक सारी कहानी समझ आ गई कि वो भूत भूत नहीं थी, वो कोई लड़की सबको डराने के लिए आई थी. पर मतलब
ये जोक समझो या समझ लो रियल घटना थी मेरे साथ कि अपनी ऊर्जा उसके बेचारे की क्या हालत उसकी बेचारे की हालत क्या होगी जब आपने पकड़ लिया कॉमेडी ऑफ हॉरर हो गई इसकी क्योंकि मैं तो अपनी पूरी ऊर्जा लगा चुकी थी सच्ची बता रही हूँ मैं बिल्कुल छोड़ ही नहीं रही थी हम इमेजिन कर सकते मतलब फाइनली बच गई ना चली तो नहीं गई मैं तो रियल में सच्चाई बता रही हूँ मैं तो वो भूत समझ के नहीं नहीं हम ये फाइनली बच गई ना हाँ बिल्कुल बच गई एवरीवन इज स्टिल अलाइव एंड किकिंग सो चलिए विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज सेशन हास्य के रंग मोहा के संग सो आई होप यू ऑल हैड अ वंडरफुल इवनिंग एंड कमाल कर दिया रितु जी आज ऐसी इवनिंग हो रही है ये इंटरेस्टिंग इवनिंग ना करा करो एक घंटा बिता दिया मुझे आज मैं एक बात बताऊं आज एक नोट आया है जो किसी ने सौम्यजीत को भी भेजा है मुझे भी जहां पे बोला गया है कि जब इतना सारा कुछ बाहर हो रहा है वी ऑल नो व्हाट डिफिकल्ट टाइम्स वी आर गोइंग थ्रू एंड यू नो अनफॉर्चुनेट थिंग्स आर हैपनिंग सो तो हमें ऐसी लाइट इवनिंग्स नहीं करनी चाहिए ये जो प्रवीण जी कह रहे हैं मैंने उनको समझाया लेकिन उन्होंने कहा मैं रितु को जरूर बोलूंगा चलिए कोई बात नहीं सो विद नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन मतलब हाँ नो डिसरिस्पेक्ट बट एंड ऑफ कोर्स मतलब more than anyone else we are the ones who see it every day like I said last 2-3 days things have been happening where we've been handling emergencies and like I told you we feel helpless you know when we're not able to help because the situation is such things happen but then mujhe lagta hai ki yahan aake thoda sa hum ek dusre ke sath has le khushiyan baant le to at least it'll give us the strength to carry on in this very very difficult times along with this whole family so that is the whole aim here नॉट दैट कि हम ये भूल गए कि पीछे बाहर क्या हो रहा है तो जी नहीं पाए डेढ़ घंटे में ही हम लोग हंस पा रहे हैं ना ये तो एक डेढ़ घंटे ही हम लोगों के लिए हंसने का एक साधन है और एक तनाव को दूर करने के लिए है इससे बड़ी मेडिसिन कोरोना वास्तव में बहुत छोटा है लेकिन स्ट्रेस से मुझे लगता है लोग ज्यादा जा रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेस तो हमें रिमूव करना ही पड़ेगा Ladies and gentlemen, we had a lovely, lovely evening. Yeah, yeah. बहुत अच्छे अच्छे हास्य कविताएं, बहुत अच्छे अच्छे experiences, सारे सारे jokes. And I think after a long time, we haven't laughed so much as we did today. And may this laughter always continue with everyone. And आप ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए. So now I will see you all tomorrow morning. No, I will not see you. Anurag will see you tomorrow morning at 8 o'clock and 12 o'clock. और एक चीज रितु जी डेफिनेट है कि हमारा इम्यून सिस्टम साइंटिफिकली बता रहा हूँ आज डबल हो गया Yes, पता है इतना ज्यादा मैं हंसने की नहीं भूल गई मैंने आज चाय बिल्कुल मानती हूँ कि सारी बीमारियों में कोरोना ने रोने की पल तो बढ़ाए हैं पर हंसने की पल बहुत घट गए ना कोरोना की वजह से कोरोना की पल तो बहुत बढ़ गए पर हंसने की पल हमें तो चलिए अब कोरोना की बात लेडीज एंड जेंटलमैन कोरोना की बात नहीं करेंगे बहुत अच्छे से नोट पे एंड करेंगे एंड कल 12 बजे हमारी एजुकेशन क्लब की प्रैक्टिस सेशन होगा विद भीषम जी एंड इवनिंग ऑफ कोर्स आई सी यू ऑल फॉर अ म्यूजिकल इवनिंग सो वेटिंग टू सी यू ऑल टुमारो टिल देन कीप स्माइलिंग कीप लाफिंग एंड Think of all the happy moments of your lives. Thank you so much. And see you all. Thank you so much. Thank you. Stress free karte ho aap log.
थैंक यू थैंक यू।